गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का विषय है क्रिया। आपकी पाठ पुस्तक व्याकरण संबोध पाठ 15 कक्षा 6 क्रिया के विषय में जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले क्रिया क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम या कार्य। साहित्यिक शब्द में इसे क्रिया कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको काम या कार्य कहा जाता है। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा हम लोगों को या हमें यह पता चले कि कार्य को करने या होने या किसी घटना को घटने का संकेत जिस शब्द से हमें मिलता है या जिस शब्द से हमें यह सूचना प्राप्त हो या सूचना मिले कि कोई घटना घट रही है या कोई कार्य हो रहा है, तो किसी भी कार्य को करने या किसी घटना के घटित होने का पता या सूचना या संकेत हमें जिसके द्वारा मिलता है उस शब्द को हम क्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का बोध या संकेत मिलता है उसे क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है? क्रिया, यानी यह क्रियात्मक शब्द है और इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि पिताजी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी उनके द्वारा पढ़ने का कार्य हो रहा है, इसलिए इसे क्रिया शब्द कहते हैं। और दूसरा उदाहरण है, शेफाली और सोनाली पेपर दे चुके हैं, तो दे चुकना यानी क्रिया हो चुकी है, तो दे चुकना क्रिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वह जा रहा, वो आ रहा, वो खा रहा, हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे क्रियावाची शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात धातु। धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो धातु बदल कर क्रिया का रूप ले लेती है। इसलिए क्रिया का मूल रूप जो है, यानी जो जड़ है क्रिया का, वो धातु है। धातु नहीं होगी तो क्रिया नहीं हो बन सकती। धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातु क्रिया में बदल जाती है। इसलिए जो जड़ है, जो मूल तत्व है उसका क्रिया का, वो धातु होती है। उदाहरण के रूप में धातु में, जैसे किसी भी धातु में जब आप ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। जैसे धातु है आपका खा धातु, खा में ना जोड़ दो खाना, क्रिया हो गया। पठ धातु है, ना जोड़ दो पढ़ना हो गया। द धातु है, ना जोड़ दो देना हो गया। हंस धातु है, ना जोड़ दो हंसना हो गया। बद धातु है, ना जोड़ दो बोलना हो गया।